ढाई महीने के लॉकडाउन के बाद देश में जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट रही है। अनलॉक वन के साथ देश में सब कुछ खुल चुका है, जो रह गया है वो सोमवार से खुल जाएगा। लेकिन इसी के साथ तेजी से फैल रहा कोरोना माथे पर शिकन भी पैदा कर रहा है। हर दिन बीतने के साथ कोरोना का संक्रमण और तेज होता जा रहा है। कोरोना की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह में देश में करीब 61,000 मामलों का उछाल आया है। आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को भारत में कोरोना के कुल केस करीब 2,26,000 थे, लेकिन रात होते होते 9,887 केस और बढ़ गए। इस तरह अब भारत में कुल केस बढ़कर 2,36,000 से ज्यादा हो गए। इटली में इस दौरान महज 480 केस ही आए, अब वहां 2,34,531 केस हैं। इटली अब सबसे अधिक केस की गिनती में भारत से पीछे हो गया है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अगर कोई बना हुआ है तो वो अमेरिका है। यहाँ अब तक कोरोना के 19,65,708 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,11,390 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी अमेरिका में 11,15,672 एक्टिव केस हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां अब तक 6,46,006 केस अब तक सामने आए हैं। यहां अब तक कोरोना से 35,047 लोगों की मौत हुई है। अभी ब्राजील में 3,08,875 एक्टिव केस हैं। कोरोना प्रभावित देशों में तीसरे नंबर पर रूस है, जहां 4,49,834 केस सामने आए हैं। यहां 5,528 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,31,626 एक्टिव केस हैं। 2,88,058 केस के साथ चौथे नंबर पर स्पेन है। यहां कोरोना 27,134 लोगों की जान ले चुका है, जबकि पांचवे नंबर पर यूके है, जहां 2,83,311 मामले सामने आए हैं। अब तक यहां 40,261 लोगों की मौत हो चुकी है। इस लिस्ट में अब भारत इटली को पीछे छोड़कर छठवें स्थान पर आ गया है। भारत में अभी 2,36,657 केस सामने आए हैं। यहां 6,642 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,15,942 एक्टिव केस हैं। सातवें पायदान पर इटली है, जहां 2,34,531 केस हैं। यहां 33,774 लोगों की मौत हुई है, जबकि 36,976 एक्टिव केस हैं। प्रवासी मजदूरों का शहरों से गांव जाना, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन में छूट दिया जाना, सार्वजनिक परिवहन के साथ ट्रेनों और विमान सेवाओं का शुरू होना देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह माने जा रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन को अब काफी हद तक सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित कर दिया है और देश अनलॉक मोड में आ चुका है। सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, अब अनलॉक के कदम का विरोध कर रहे हैं। राहुल ने कुछ देशों में कोरोना केसों का ग्राफ और उस देश में लॉकडाउन और अनलॉक की तारीख को हाईलाइट कर केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने जिन देशों का ग्राफ शेयर किया है उसमें स्पेन, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं, जहां लॉकडाउन की घोषणा तब की गई जब कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे थे और अनलॉक का फैसला तब किया गया जब उस देश में कोरोना केस आने कम हो गए। लेकिन भारत में अनलॉक का फैसला तब लिया गया है जब कोरोना के केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस ट्वीट के साथ राहुल ने लिखा है, ये वही है जो एक असफल लॉकडाउन जैसा दिखता है। भारत में जून आते ही कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। देश में रोज 9,000 के करीब नए केस आ रहे हैं। जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि भारत जल्द ही स्पेन और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ देगा। नए केस बढ़ने से ज्यादा चिंता की बात यह है कि देश में डेथ रेट भी बढ़ गया है। एक दिन पहले तक भारत में डेथ रेट 10 लाख आबादी पर 4 थी, ये बढ़कर 5 हो गई है। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देशों के मुकाबले ये अब भी कम है, लेकिन डेथ रेट का बढ़ना खतरे का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।